हेलो बच्चों, एक बार फिर से 90 प्लस में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। देखिए टॉपिक बहुत छोटा है, सिंपल है, आपको इतने सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करवा देगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको फिर से एक बार मोल कॉन्सेप्ट के दो तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप ध्यान से सीखना चाहते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है और मैं इसको कंपेयर करने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट से, ताकि आप बहुत ध्यान से इन चीजों को समझ सकें कि क्या नया इसमें सीखने वाले हैं और क्या उसमें हमने सीखा था। तो सबसे पहले बात करें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सो इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, ये चीज ध्यान देनी है। इस केस में हम लोग इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं, जबकि मोल्स वाले केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं। यस, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे, इन्हें ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या सब्सटेंसेस के क्या कैलकुलेट करते थे। यस ऑफ कोर्स, मोल्स। सेकंड पॉइंट इज देयर कि अगर मैं सिंपल बात करूं कि यहां पे हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे और यहां पे मोल्स, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो कि किसी भी रिएक्टेंट किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं, इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। हियर इट इज इक्विवेलेंट वेट। व्हाइल इन केस ऑफ मोल्स, सो मोल्स की संख्या कैसे निकालते हैं। यस, गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसा कुछ होता है। ध्यान से देखिए कि यहां पे सिंपल सी बात बता देते हैं, जो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास होता है, ये जो आपका यहां पे लिखा हुआ इक्विवेलेंट वेट, पूरा लिख देते हैं, इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं, मास भी लिखा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट ये आपका वेरी करता है, इज नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट लिखने की वजह हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ सब्सटेंस, और रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है। जबकि आपका जो मोलर मास होता है, ये वाला पार्ट, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड। तो भाई ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि आपका जो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट होता है, ये आपका फिक्स नहीं रहता है, ये रिएक्शन को देख करके, सब्सटेंस का नेचर देख करके तब कैलकुलेट करना होता है। अगर किसी को कैलकुलेट नहीं करना आता इक्विवेलेंट वेट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए, तो जरूर आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मोलर मास देखें, तो मोलर मास तो बहुत ही सिंपल पार्ट होता है, हमेशा हर एक सब्सटेंस का फिक्स होता है, तो ये वेरी नहीं करता। Now, जैसा कि हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट या मास डिफाइन कैसे करें, सो भाई होता क्या है, सो इट इज मास ऑफ वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस, एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास। सो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और ये क्या होता है, मोलर मास किसे कहते हैं, भाई सबको पता है, किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास है ना, इट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट कि भाई इक्विवेलेंट्स, ध्यान दीजिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड आल्सो वी विल गो थ्रू नेक्स्ट फॉर्मूलाज, इसके कौन से और नए नए फॉर्मूला हैं, बट ये छोटी छोटी बातें जरूर आपको पता होनी चाहिए, एक बार चेक कर लें और जरूर लिख लें। आइए तो फिर देखते हैं बच्चे कि इक्विवेलेंट जो वेट है आपका, क्या और भी किसी तरीके से निकल सकता है। तो बिल्कुल, तरीका हमने सीखा हुआ है, इक्विवेलेंट चाहिए, अगर देखिए इक्विवेलेंट चाहिए तो इक्विवेलेंट वेट पता होना जरूरी है। जैसा कि पीछे हमने देखा कि इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो इक्विवेलेंट वेट यानी मास निकालना आना चाहिए किसी भी हालत में। तो कैसे निकलता है, सो इट इज
मोलर मास, भाई किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास, इसके एक मोल का वजन, और उसको डिवाइड किया जाता है एक फैक्टर जिसे हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। तो जिसको भी एन फैक्टर नहीं निकालना आता वो भी पहले एन फैक्टर निकालना सीखे, ठीक है, बहुत अच्छे से सीखे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियोस का, तो चेक करें। तो एन फैक्टर अगर आप निकाल पाते हैं तो सीधे ही आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इस इक्विवेलेंट वेट को हम थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अभी आपने पीछे देखा क्या थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल, किसी भी पार्ट के इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले थे, यस, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट था वहां पे। सो अब अगर मैं ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो क्या होता है, यस, क्या होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, या सीधे मास या वेट पूरा लिख सकते हैं आप, और ये आपका एन फैक्टर विच इज नथिंग बट एन फैक्टर, है ना, देखिए आराम से एन फैक्टर, और ये आपका गिवन वेट बाय मोलर मास। अब आप एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने इक्विवेलेंस का लिखा हुआ है जो कि जरूर याद हो, उसके आगे भी एक और फैक्ट हमें फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से चेक कीजिए ये चीज क्या है, किसी भी मास का, किसी भी सब्सटेंस का, सॉरी, गिवन वेट एंड डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, दिस इज नथिंग बट इट्स मोल्स। तो देखिए आपके सामने एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला आ चुका है इक्विवेलेंस निकालने का, दिस इज व्हाट यू नीड टू अप्लाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, एक ये फॉर्मूला लगाना होगा इक्विवेलेंस निकालने के लिए, आप देख सकते हैं गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला एक और बनता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। सो इन टर्म्स ऑफ मोल मल्टीप्लाइड विद एन फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। तो इन दो फॉर्मूले से हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे, और अब देखते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो बेटा देखो सामने आपके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, जरा पॉइंट को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छे मेरिट, यानी कि कुछ एडवांटेज है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नॉट रिक्वायर्ड। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी भी कोई स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन होगा, मोल्स वेट इक्विवेलेंट वेट कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए होगा, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप इक्वेशन को ना भी बैलेंस करेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट आपको सही आंसर देगा। तो ये वाला जो फायदा है इसका वो भी हम चेक करेंगे, और इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि मोल कॉन्सेप्ट में आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सबसे पहले आप समझते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, और फिर अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप स्टेटमेंट सीधा ही समझे। लिखा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट, कोई भी एक सब्सटेंस रिएक्टेंट होगा, ठीक है, उसका वन पार्ट इक्विवेलेंट को भी मान लेते हैं वन पार्ट। सो वन इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब हमेशा एक पार्ट रिएक्टेंट का एक ही पार्ट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, ठीक। सो वन इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अनदर, एंड ऑल्सो वहां पे एक और बात लिखी हुई है दैट प्रोड्यूसेस वन इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक ही इक्विवेलेंट हर एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ, मान लेते हैं, टेक एन एग्जांपल, सपोज ए रिएक्टिंग विद बी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी, सपोज टू रिएक्टेंट्स आर देयर बोथ रिएक्टिंग टुगेदर एंड टू फॉर्म व्हाट, टू प्रोडक्ट्स, ठीक। तो अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इक्विवेलेंट्स ऑफ सी प्रोडक्ट एंड इज इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ डी, स्टेटमेंट ये कहती है। बस यही स्टेटमेंट आप समझ जाए तो और सिंपल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे इस बात को और अच्छे से समझाया जाए तो मैं ये वाला पॉइंट हटा देता हूं तो आप जरूर समझ पाएंगे। तो देखो क्या होता है, सपोज HCl आपका रिएक्ट कर रहा है किससे,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सपोज आपका एसिड बेस रिएक्शन से मैं एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको पता है कि HCl एक H प्लस प्रोड्यूस करेगा और आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कितने OH प्रोड्यूस करता है, ऑफ कोर्स 2। तो आप एक बात बताइए, इसका एक पार्ट एक HCl दे रहा है जबकि इसका एक पार्ट दो OH रिलीज कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको दो की रिक्वायरमेंट नहीं है न्यूट्रलाइज होने के लिए, इसका सिर्फ और सिर्फ ये कितना OH यूज करेगा, इसका दो OH की बजाय ये सिर्फ कितना OH यूज करेगा, सिर्फ एक OH, सो दैट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज, मतलब एक H प्लस इसका इसका सिर्फ एक OH ही यूज करेगा, सो वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर आपका जो भी यहाँ पे कंपाउंड बनेगा दैट इज दिस, ठीक है। तो इस चीज को जरूर समझें, ये स्टेटमेंट आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, सो वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए जरा समझते हैं इस चीज को एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। तो बच्चे सामने देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिखा है, ध्यान से समझिएगा, हम इसे दोनों कॉन्सेप्ट से करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से भी और आपका इक्विवेलेंट। तो लिखा हुआ है कि कितने मोल्स NaOH के रिक्वायर्ड है, देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, तो मोल्स ऑफ NaOH हमें चाहिए जो क्या करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करने वाले हैं, कितने मोल H2SO4 को, वन मोल H2SO4 को। तो जरा चेक करते हैं इसको, पहले तो मोल कॉन्सेप्ट से सीखते हैं एक बार और फिर उसके बाद जो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। सो अगर मैं बाय मोल कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए NaOH प्लस H2SO4 ठीक गिविंग यू अ सॉल्ट, आपको पता है कि Na2SO4 मिलेगा और आपका वाटर, ये आपके सिंपल इक्वेशन हो गई। तो अब यहाँ पे कहता है वन मोल H2SO4 मींस हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, इट इज वन मोल, सो आपको इसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा, दिस नीड्स बैलेंसिंग। तो आप देख सकते हैं अगर ये एक मोल होगा तो NaOH के लिए आपको बैलेंस करते टाइम यहाँ टू यूज करना पड़ेगा, ठीक है आप देख सकते हैं टू यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप चेक कर लें आपकी इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस है। सो इसका मतलब हुआ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड कितने हुए, टू, सिर्फ दो मोल्स की जरूरत है। इसके अलावा अगर इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें तो जरा चेक करें, हमें बैलेंस नहीं करना, हम वापस वैसी इक्वेशन लिख देते हैं विदाउट बैलेंस जिस तरीके से थी, एक सिंपल एग्जांपल है ताकि कॉन्सेप्ट आप सीख सकें, उसके बाद आपको अच्छे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जो आपके कई एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो देखिए बिना बैलेंस की इक्वेशन है तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 ठीक इतना लिख दिया। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको मैं हटा देता हूं, हाँ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, अब आपको मोल्स चाहिए, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, मोल्स। तो अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्विवेलेंट्स में, यस एन फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ NaOH, ध्यान दीजिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ H2SO4, जो भी जस्ट हमने सीखा था। डायरेक्ट फॉर्मूला ये क्यों लगाया मैंने, वेट और इक्विवेलेंट वेट का क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा, मोल्स की बात चल रही है। तो आप देखो मोल्स वी नीड टू कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज रखिए, एज इट इज रखिए, और ये एन फैक्टर जो है बेस के लिए इसकी एसिडिटी होता है, तो NaOH सिर्फ एक OH रिलीज करता है, इसका मतलब ये इसका एन फैक्टर हुआ वन, तो आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना जरूर आनी चाहिए ठीक। इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो H2SO4 का एन फैक्टर वही होता है टू, क्योंकि इसके पास दो एच प्लस आयन होते हैं रिलीज करने के लिए, और अब मोल्स कितने प्रोवाइडेड है, एक ही मोल प्रोवाइडेड है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप बिना बैलेंस किए आंसर ले सकते हैं, ये आपका टू मोल्स आ चुका है।
फटाफट इस एग्जांपल को समझें, फिर मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। तो बच्चों देखो, हमारे सामने एक और अच्छा एग्जांपल है जिसे आप चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके कैलकुलेट करने हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के। भाई किस काम आ रहा था ये? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसे? एक मोल कॉपर सल्फाइड को, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, और एसिडिक मीडियम में बता रहा। तो हमें एक फॉर्मल इक्वेशन दे दी, और एक चीज ध्यान रखनी है, हमें इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर हम इसे स्टार्ट करें तो एक और चीज सिंपल, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा देते हैं सीधे ही, क्योंकि हम सीख हो ही रहे हैं तो हम वही अब सीखेंगे, ठीक है, मतलब उसी से हम लोग करने वाले। तो देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फाइड। इतना किया। अब सेम मोल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या करो, एन फैक्टर KMnO4 का इसके मोल्स इनटू, मतलब इज इक्वल एन फैक्टर कॉपर सल्फाइड का और उसके मोल्स, यही होगा ना, ठीक है, यहाँ पे KMnO4 के और उस साइड आपके कॉपर सल्फाइड के। सो आप रिएक्शन में ये चीज चेक करो कि एन फैक्टर इसका क्या है। तो आपको पता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करने। तो यहाँ पे मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, जबकि यहाँ पे कितना है +2, तो इसने 7 से +2 में अपने को रिड्यूस किया हुआ है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 5। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है वही इसका क्या होता है, एन फैक्टर। देन अब हमें मोल्स तो कैलकुलेट ही करने हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब बात करते हैं एन फैक्टर, भाई इसका कितना है। तो बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +1 है। ध्यान दीजिए, एक सिंगल कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और यहां पे कॉपर बैलेंस नहीं है, तो पहले मेन एटम को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर बैलेंस है। लेकिन यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है सल्फाइड फॉर्म में, लेकिन इस साइड सल्फर की +4 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत अच्छे से आए तभी आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो सल्फर पे -2 और यहां पे सल्फर पे +4। अब आप देखें यहां पे कि कॉपर +1 से +2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सल्फर भी -2 से +4 में ऑक्सीडाइज, मतलब जब दो दो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही हो तो आपको टोटल देखना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो देखो कॉपर का +2, ठीक है, +2 से कॉपर कितना बड़ा है यहां पे देख सकते हैं, +2 से टोटल कितना हुआ इसका, +4, ठीक है, +4 देख सकते हैं। और यहां सल्फर का आपका चेक करें, सल्फर का चेक करें ध्यान से, -2 से आपका ये कितना हुआ, -2 से इट इज 6, ठीक, 6। हाँ तो देखो, हमने देखा कि सल्फर का +6 से बड़ा, लेकिन कॉपर +2 से +4, इसका मतलब हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है बाय 2 नंबर, और यहां पे सल्फर का बड़ा है बाय 6 नंबर। तो टोटल इंक्रीज कितने से हुआ, आप देख सकते हैं 8। बहुत ध्यान से चीज चेक कर रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा परेशान कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो दो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, तो दोनों से आपको देखना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया। तो कॉपर +2 से +4, मतलब 2 से इंक्रीज हुआ है, और सल्फर यहां से -2 से +4 यानी 6 से, तो टोटल आपका 8 होगा। तो एन फैक्टर देखिए टोटल कितना हुआ, 8 इंटू मोल्स ऑफ कितने दे रखे कॉपर सल्फाइड, 1। तो आपका आंसर देख सकते हैं कितना आएगा, Yes, it is moles of KMnO4 is 8, और ये आपका divide by 5, 8 divide by 5, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये आपका खत्म हो गया। आप इसे नोट कर लें और एक बार फिर से समझ लें, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। जन आइए दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 1.35 कैल्शियम है। तो भाई 1.35 कैल्शियम दिया हुआ है, उसको बदला गया है, किस में बदला गया है, प्योर CaO,
तो प्योर सीओ में कैसे बदला जाएगा भाई, उसको ऑक्सीडाइज किया गया होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया गया होगा, सो इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। डन। अब आप देखिए कि कैल्शियम आपको प्रोवाइड किया गया है, उसका वेट बताया गया है और कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना है ये भी उन्होंने बताया हुआ है। तो बहुत सिंपल है। और पूछा गया आपसे एटॉमिक वेट पूछा है, किसका? कैल्शियम का। सो लेट एटॉमिक, सीधा पहले आप इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करेंगे ना, तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम भी, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम तो वो आप इसे मान लें E, ध्यान दीजिए मैंने मान लिया कि E है। तो आप देख सकते हैं बिना इक्वेशन को बैलेंस करें, सीधा देखें इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, भाई जितने भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे उसके इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इतना लिखा। अब क्या करें? तो भाई इक्विवेलेंट्स निकालने का आपको पता है इक्विवेलेंट वेट की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट, जो प्रोवाइडेड वेट है, डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला था, ठीक है, ये कैल्शियम के लिए आपका हो जाएगा और उस साइड आपका सेम, ठीक, ये ऐसे लिख देते हैं और ये इक्विवेलेंट वेट और यहां पे आएगा गिवन वेट ऑफ CaO डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO। फॉर्मूला चेक करें और आप सीधे ही अप्लाई कर सकते हैं और फटाफट इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब आपका वेट कितना प्रोवाइड कर रखा है, कैल्शियम का वेट देखिए कितना प्रोवाइड किया, 1.35। अब इक्विवेलेंट वेट इसका हमने ई माना हुआ है, इज इक्वल इसका वेट कितना दिया भाई, 1.88। अब आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का टोटल इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, क्योंकि हमें कैल्शियम का तो अभी पता ही नहीं है, कैल्शियम का तो पता ही नहीं है। तो आप ये मान लीजिए आपके दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के लिए आप इसका इक्विवेलेंट वेट अलग लीजिए और इसका इक्विवेलेंट वेट अलग लीजिए। तो कैल्शियम का तो E है प्लस, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज जरूर बताओ सबको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो आपको पता है क्या होगा कि जो भी इसका एटॉमिक वेट होता है डिवाइड बाय 2, तो एटॉमिक वेट 16 होता है और आप देख सकते हैं तो 8 आता है, तो ऑक्साइड फॉर्म में इसका कितना होगा 8। तो आप देखिए कितना सिंपल है, आप अगर कैलकुलेट करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स लगा के यहां से E, तो E की वैल्यू ऑन कैलकुलेशन यू वुड लेफ्ट विद 3. इट इज ऑल अबाउट विद 20.375। देखिए सही कैलकुलेशन करने पर आप इतना कुछ पाएंगे, एक बार चेक कर लें आराम से, 20.375। क्योंकि कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मुझे आंसर पता है तो फटाफट मैंने लिख दिया, अब चेक कर लीजिएगा। सो अब इसको एटॉमिक वेट में कैसे बदला जाए, तो सिंपल कैसे बदलेंगे देखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, सिंपल फॉर्मूला यही होता है। तो देखिए इस बार हमारे पास 20 ये दे रखा है 375 और एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है। अब ये एन फैक्टर कैल्शियम के लिए कितना होगा भाई, ऑक्साइड है तो कैल्शियम के कौन से स्टेट में होगा, 2+ में होगा, तो यहां पे आप 2 लिखिए और सीधे ही आप क्या करें इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये 40 करीब आएगा, ठीक, 20.375 इनटू 2 व्हिच इज 40. और 375 के लिए करीब आपका ये इतना आएगा। तो आप देख सकते हैं आराम से कैलकुलेट करें और अगले पार्ट में मैं इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस पार्ट में। आज आपने थ्योरेटिकल पार्ट सीखा, कुछ एग्जांपल चेक किए, तो होप कि आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको स्कोर करना है बहुत अच्छा तो बने रहिए 90+ के साथ, और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ जरूर इसे देखिएगा।